लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 2019 के कट ऑफ के बारे में और ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं कंपैरिजन ऑफ ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी एंड न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी बताऊंगा। कुछ बच्चों ने EWS के कट ऑफ के बारे में पूछा था, उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ बच्चों ने PWD कैटेगरी के बारे में पूछा था, उसके बारे में बताऊंगा। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कुछ बच्चों ने यह भी बोला था कि सर काइंडली प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, राइट। तो इस सेशन के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले न्यू एंड ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन। अ लॉट थिंग्स आर गोइंग अराउंड, इन दिनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बात का कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी या न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई कर दी गई है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि इस साल न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी नीट के अंदर भी नीट की काउंसलिंग के अंदर भी अप्लाई कर दी जाए, राइट। सो पहले हमें यह देखना है कि अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है तो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के कंपैरिजन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो लेट्स सी द कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन मेरिट ओल्ड और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। एससी कैटेगरी के अंदर भी ओल्ड एंड न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में 8% है, मींस रिजर्वेशन सेम है, कोई बदलाव नहीं आया। जो एसटी कैटेगरी है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अगर आप देखेंगे 6% फॉर एसटी जीबी के लिए दिया गया था, 2% फॉर एसटी के, 2% फॉर एसटी एल एंड अदर एसटी के लिए दिया गया था, तो वो सिमिलर है बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरीज के अंदर, वन ऑफ द कैटेगरी है ओएससी कैटेगरी, उसको भी बिल्कुल चेंज नहीं किया है, उसको भी सेम ही रखा गया है। लेकिन अगर आप देखें ये जो रेड कलर से लिखा गया है आरबीए कैटेगरी, ये ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर 20% रिजर्वेशन दिया गया था, बट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ये एक मेजर चेंज है। अगर नेक्स्ट देखें हम तो रेजिडेंट्स ऑफ एरिया जॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको ALC बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर IB इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसको 3% से 4% पे लाया गया है, तो इसको भी आप रेड से मार्क किया है मैंने, उसको देख सकते हैं आप। फिर CDP कैटेगरी सेम 3% ही रहेगा, पहले भी 3%, अब भी 3%। JKPM के लिए भी सेम ही रहेगा, 1% पहले भी, अभी भी 1%। लेकिन अगर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए देखें तो पहले रिजर्वेशन जो था वो नहीं था, लेकिन अब 4% रिजर्वेशन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए दिया गया है जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, और उनके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। किसी बच्चे ने मुझसे PWD कैटेगरी के बारे में पूछा था, तो मैंने ये भी इंक्लूड किया है कि PWD कैटेगरी का रिजर्वेशन 4% है, लेकिन इसमें एक मेजर कन्फ्यूजन है। जब आप ये सारे रिजर्वेशन को ऐड करते हो तो आप देखते हो कि रिजर्वेशन 50% एग्जैक्ट नहीं आता। उसका रीजन ये है कि बेसिकली से कि एक स्टूडेंट के पास दो कैटेगरीज हैं, तो दो में से उसको जो सीट अलॉट होगी वो दोनों कैटेगरीज एक साथ अप्लाई करके नहीं होगी, एट ए टाइम एक ही कैटेगरी जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। जैसे कि कोई बच्चा PWD कैटेगरी का बच्चा है, लेकिन अलॉन्ग विद PWD कैटेगरी अगर उस बच्चे के पास से ST कैटेगरी भी है, तो उस बच्चे को PWD की जो सीट है वो ST कैटेगरी में दी जाएगी, मीन्स PWD की अलग से सीट्स नहीं दी गई हैं। इसलिए जब आप टोटल कैलकुलेशन करते हो नंबर ऑफ सीट्स और परसेंटेज की, तो वो वेरिएशन आता है। फिर मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी के लिए ऐड किया गया है वो उन्हीं कॉलेजेस के अंदर ऐड किया गया है जिन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज की गई हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग वो 985 सीट्स हैं, लेकिन अगर GNC डोडा में, जो कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, इस साल 100 सीट्स और ऐड हो जाती हैं तो फिर 1085 सीट्स हो जाएंगी, जो कि अराउंड 1100 के अराउंड सीट्स हैं, राइट। कुछ बच्चों ने मुझसे EWS कैटेगरी के बारे में पूछा था कि सर उसकी कट ऑफ बताएं, तो EWS कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ गई थी 510 2019 में, और फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 442। ये अक्टूबर नवंबर के दौरान
काउंसलिंग हुई थी और बाद में लेटर ऑन ये सीट्स इनकॉर्पोरेट की गई थी, तो ये कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई थी। अलॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर मुझे जीएमसी जम्मू मिलेगा या नहीं, या मुझे जीएमसी श्रीनगर मिलेगा कि नहीं। कई बार जो जम्मू के रेजिडेंट हैं वो श्रीनगर ऑप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि घर से दूर है, और जो श्रीनगर के रेजिडेंट हैं वो जम्मू ऑप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो घर से दूर हैं। तो इन बोथ ऑफ द केसेस मेरी एक सजेशन है आप लोगों को कि हर साल पॉलिसीज बदल रही हैं, इस साल आपने देखा रिजर्वेशन पॉलिसीज भी बदल गई हैं और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है आने वाले सालों में। तो मेरी आपको एक सजेशन है कि जिस भी कॉलेज में आपको काउंसलिंग के दौरान एमबीबीएस की सीट मिले, अपनी कॉलेज की प्रेफरेंसेस को लेके वो सीट ना छोड़ें। मतलब ऐसा ना सोचें कि भाई मुझे अगर जीएमसी श्रीनगर नहीं मिला और जीएमसी जम्मू मिला तो मैं सीट छोड़ दूंगा फिर से तैयारी करूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी जीएमसी मिल रहा है आप ले लें, नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो कि कट ऑफ कितना जाए, नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो कि हालात कैसे रहें और आप उतना स्कोर कर पाएं या ना कर पाए। हो सकता है बेटर भी स्कोर कर लें, एम्स भी ले लें, लेकिन मेरी फिर भी सजेशन आपसे ये है कि फॉर द सेफर साइड आपको जिस भी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल रही है आप उसी को ऑप्ट करें, उस सीट को लें। अपनी जो लोकेशन वाली प्रेफरेंस है उसको साइड में रख के और एमबीबीएस की सीट को प्रेफरेंस दें। ऑलराइट, अलॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि सर काउंसलिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग जो है वो सारी आजकल ऑनलाइन होती है। तो सबसे पहले आप BOPEE की जो साइट है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको रेगुलरली विजिट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी नोटिफिकेशंस वहीं आती हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग के दौरान आप ऑप्शन फॉर्म जब भरें तो कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से भरें। प्रेफरेंसेस के हिसाब से मतलब जो वैली वाले बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली जीएमसी श्रीनगर को प्रेफरेंस देते हैं और उसके बाद स्किम्स को, और फिर उसके बाद वो जीएमसी बारामूला या जीएमसी अनंतनाग के बारे में बात करते हैं। तो इन बिटवीन कई सारे बच्चे कंफ्यूज होके जीएमसी श्रीनगर के बाद प्रेफरेंस जीएमसी जम्मू को देते हैं, बाद में फिर ये होता है कि जब उनको जीएमसी जम्मू की सीट अलॉट होती है तो वो रीशफल करने का वेट करते हैं, दैट इज क्वाइट लाइक डिफिकल्ट प्रोसेस। तो मेरी सजेशन ये है कि प्रेफरेंसेज जब भी आप भरें वो सोच समझ के भरें। प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो जब कॉलेज अलॉट होगा तो वो भी लिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर ही आएगी, तो आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ऑप्शन फॉर्म भरते हैं जिसमें कॉलेजेस की लिस्ट भरी जाती है, तो उसमें आपको एक तो अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस पहले से ही पता होनी चाहिए, प्लस आप जो डाटा अवेलेबल करवाते हो या तो आप खुद ही भरते हो या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइबर कैफे पे जाके भरते हैं या किसी से फिल करवाते हैं फॉर्म, तो किसी दूसरे की सजेशन के थ्रू फिल करने से पहले या किसी दूसरे की सजेशन लेके फॉर्म फिल करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लें जो लोग ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं उनसे एक बार पता कर लें कि प्रेफरेंसेस क्या क्या भरनी चाहिए। वन मोर थिंग, जब आप कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरेंगे ऑनलाइन तो आप अपना मेल आईडी और अपना फोन नंबर अपना खुद का ही प्रोवाइड कराएं। ऐसा ना करें कि जहां फॉर्म भरने गए हैं आपने उनका मेल आईडी प्रोवाइड करा दिया, या आपको नहीं पता कि हाउ टू फिल द फॉर्म, तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हीं के क्रेडेंशियल्स ना फिल करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हर महीने अपना सिम कार्ड चेंज करते हैं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी सारी डिटेल जो हैं बीओपी की साइट से अगर मैसेजेस जाएंगे तो उसी नंबर पर जाएंगे जो आपने रजिस्टर किया है, और उसी मेल आईडी पे जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आपने वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम रजिस्टर किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप ना अपना मेल आईडी के अंदर स्पैम भी चेक करें। कई बार क्या होता है कि मेल आती है और वो मेल स्पैम में चली जाती है, तो स्पैम को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। राइट, इन चीज़ों के अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप अपने फादर का फ़ोन नंबर दे देते हैं वहाँ पे, और आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं देखते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन टेक्स्ट मैसेज में आती है इन दिनों। तो आपको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन वेबसाइट ने या ऑफिशियल तौर पर डिलीवर हो चुकी होती है लेकिन बच्चा उसको सीरियसली नहीं देखता, या तो सिम कार्ड चेंज कर दिया होता है या मेल चेक नहीं करता। मेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेल आईडी इज जस्ट लाइक ए चिट्ठी। मेल, चिट्ठी को ही अंग्रेजी में मेल बोला जाता है, तो आप मेल को रेगुलरली चेक करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई मस्ट से कि
अपना फोन नंबर काउंसलिंग होने से पहले जो रखा हुआ है वो ही बाद में रखें, मतलब उसको चेंज ना करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ और चीजें बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो काउंसलिंग से पहले ही रेडी रखें। अगर कोई सर्टिफिकेट बनाना है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है नहीं और आपको प्रेजेंट करना है वहां पे, तो वो सारे पहले ही रेडी रखें। ऐसा नहीं होगा कि एक काउंसलिंग के 3 दिन पहले आप अपने पेरेंट्स को परेशान करना शुरू करें। अभी आपके पास काफी टाइम है, एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो ये जो फ्री टाइम है इसके अंदर आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करवा के उनको अच्छे से मैनेज कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोल्डर्स बनाएं, मतलब अगर आप MBBS के लिए जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो थोड़ा डॉक्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू करें, राइट? तो एक फोल्डर्स बनाएं, पेरेंट्स को परेशान ना करें, खुद भी कर सकते हैं, आप बड़े हो गए इतने, तो सबसे पहले फोल्डर्स बनाएं। किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे आपको लाइक नॉमिनल 50 रुपीज में आपको फोल्डर मिल जाएगा, तो यू बाय 3 or 4 फोल्डर्स, एक में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं ओरिजिनल, उनमें से जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा कुछ डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोस्टैट लेना है, अटेस्टेड फोटोस्टैट लेना है, तो अटेस्टेड फोटोस्टैट का एक अलग सेट बनाएं, उसको दूसरे फोल्डर में रखें, उसके ऊपर लिखें फोटोकॉपी 1, फिर एक और फोल्डर बनाएं उसके ऊपर लिखें फोटोकॉपी 2, सो दैट जब आप काउंसलिंग के दौरान अपने आपको प्रेजेंट करेंगे मेडिकल कॉलेज में, जब काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो रही होगी, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से वहां सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लेके जा सकते हैं, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको काफी हेल्प करेगी होपफुली, राइट? तो चलिए सबसे पहले चल के देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग में सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने 2019 में जो मेरे से पढ़ के जो स्टूडेंट्स गए हैं MBBS कॉलेजेस में GMC में, उनसे ये लिस्ट ली है मैंने। एंड अदर देन दैट कोई नए डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ऐड करने होंगे तो उसके लिए आपको लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, वहां पे भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी स्कूल से मिलता है, रिजल्ट जो है जो भी आपका वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आया है उसका एक प्रिंट भी आपको साथ में लेके जाना है। ये रिजल्ट वेबसाइट से आपको प्रिंट कहीं भी मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल होता है आफ्टर जब नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद। काउंसलिंग से पहले जब रिजल्ट आ गया और काउंसलिंग से पहले, रिजल्ट आने के बाद और काउंसलिंग से पहले के टाइम में आपको काउंसलिंग फी सबमिट करनी होगी। तो जब आप काउंसलिंग फी सबमिट करेंगे तो काउंसलिंग फी सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, तो आप काउंसलिंग फी की जो रिसिप्ट है उसको संभाल के रखें। वो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 1400 थी जो मुझे स्टूडेंट ने बताया है, तो उसको संभाल के रखें क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए अपीयर होंगे तो वहां आपको उस रिसिप्ट की जरूरत पड़ेगी, दे विल आस्क फॉर दैट रिसिप्ट। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी स्टेट सब्जेक्ट्स और डोमिसाइल, तो लास्ट ईयर तो स्टेट सब्जेक्ट लगाया था बच्चों ने, अगर आपके पास जो न्यू डोमिसाइल है अवेलेबल तो आप उसको लगाएं, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड ये सारी चीजें जो है ना एक ओरिजिनल कॉपी होगी और 2 आपने फोटो कॉपीज लेके उनको अटेस्ट करवाना है गजेटेड ऑफिसर से। एंड आपने ध्यान रखना है कि इन सारी बातों के साथ साथ रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करना है, और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिन लोगों के साथ आप पढ़े हो जो काउंसलिंग के लिए अपीयर हो रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहना है, और ऑल्सो आपने अपने सीनियर्स जो हैं उनसे भी डिस्कशन लगातार करते रहना है। इन केस आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो रिगार्डिंग काउंसलिंग या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं भी होगी तो आई विल ट्राई टू फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर, सम सोर्स, सम रिलायबल सोर्सेज, एंड आई विल प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। मैं बिलीव करता हूँ कि जो सिटीज में रहते हैं, शहर में रहने वाले बच्चे हैं, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो बहुत फार फ्लंज्ड एरिया में हैं, बहुत इंटीरियर एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों तक पहुँचे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग को सही तरीके से अटेंड करके एक सही कॉलेज में जाएं। कई बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर्स में मैंने देखा है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं लेकिन काउंसलिंग को फॉलोअप ना करने की वजह से वो सीट खो देता है। तो ये सेशन सिर्फ इसी पर्पज से बनाया गया है कि जो जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से जिनको नुकसान हो सकता है उनको नुकसान ना हो। डिजर्विंग बच्चा जिसने साल भर हार्डवर्क किया है
वो सिर्फ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ऐसा ना हो कि उसका कॉलेज छूट जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।